कोरोना को दूर भगाना है, हम सबको टीका जरूर लगाना है। कोरोना वायरस पर 500 शब्दों का निबंध, रूपरेखा, प्रस्तावना, कोरोना वायरस क्या है, कोरोना वायरस कैसे फैलता है, कोरोना वायरस के लक्षण और उपसंहार। प्रस्तावना। कोरोना वायरस के कहर को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 11 मार्च वर्ष 2020 को इसे वैश्विक महामारी का दर्जा प्रदान किया। इसके संक्रमण की वजह आज से संक्रमित लोगों की संख्या बहुत ही बढ़ गई है। इसकी कोई सटीक दवा ना होने के कारण इसकी संक्रमित संख्या को रोकना ना के बराबर हो गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसके बचाव के लिए कुछ महत्वपूर्ण गाइडलाइंस जारी किए हैं, जिन्हें हम अपने जीवन में फॉलो करके कोविड-19 से खुद को संक्रमित होने से बचा सकते हैं। जब कोई भी व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित होता है तो उसके अंदर इसके लक्षण शीघ्र ही पता नहीं चलते, इसे पता करने में काफ़ी वक्त लग जाता है। आइए इसके बारे में और विस्तार पूर्वक समझते हैं। कोरोना वायरस क्या है? इस घातक वायरस की उत्पत्ति हमारे पड़ोसी देश चीन के शहर वुहान से हुई थी। जब इस बीमारी ने धीरे धीरे विकराल रूप धारण किया तो कुछ विशेषज्ञों ने माइक्रोस्कोप से देखा तो इसका आकार किसी राजा के ग्राउंड के जैसी दिखाई दे रहा था। यह वायरस अपने संक्रमण को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाकर लोगों को संक्रमित करता है। कोरोना वायरस कैसे फैलता है? यह एक ऐसा वायरस है जिसके संक्रमित व्यक्ति में इसके लक्षण शीघ्र पता नहीं चलते, जैसा पता करने के लिए हमें 14 दिनों का समय लग जाता है। इसलिए यह आवश्यक है कि यदि आप किसी संक्रमित क्षेत्र या फिर किसी विदेश यात्रा करके अपने घर वापस आए हैं तो इस परिस्थिति में आप स्वयं को कम से कम अन्य लोगों से 14 दिनों के लिए दूर रखें। 14 दिनों के उपरांत आप यदि देखें कि किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य समस्या आपको नहीं हो रही है तो आप बिल्कुल ही स्वस्थ हैं, आपको इस बीमारी ने संक्रमित नहीं किया है। कोरोना वायरस के लक्षण: सूखी खांसी आना, बुखार का रहना, सर्दी होना, शरीर में अकड़न और दर्द, पूरा दिन थकान महसूस करना, सांस लेने में तकलीफ और गले में खराश। उपसंहार: हमारे देश की सरकार या स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कोरोना वायरस से बचाव हेतु अनेक प्रकार के गाइडलाइंस निरंतर रूप से जारी किए गए हैं। ऐसे में आप खुद को आपकी सुरक्षा के लिए बनाए गए गाइडलाइन का पालन करके आप कोरोना वायरस से सुरक्षित रह सकते हैं। इसी के साथ हमारा निबंध यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये निबंध वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।